नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के द्वारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 27/8/2016 के पेपर, 28/8/2016 के पेपर। तो स्टार्ट करते हैं 27/8/2016 के पेपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, द ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन, किस चीज़ का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को इग्नोर करती है, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इफेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ये थ्योरी इसको इग्नोर करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि द कैग डज नॉट ऑडिट द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, किसका कैग किस की रिसिप्ट को और एक्सपेंडिचर को ऑडिट नहीं करती है, वो है लोकल बॉडीज, बी आंसर। थर्ड इज इन विच ईयर काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस, ये वो ईयर था 1925। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ताजमहल इज कॉल्ड ए ड्रीम इन मार्बल्स, विच मॉन्यूमेंट इज कॉल्ड एज ए ड्रीम इन स्टोन, दैट इज पंचमहल, ए ड्रीम इन स्टोन उसको किस वो है पंचमहल। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। कंपेनियन सेल आर यूनिक टू, दे आर यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, हुड इज इंसुलेटर, विद्युत का कुचालक जिसको बोलते हैं इंसुलेटर, वो हुड ही है, बाकी सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, बबल ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू, किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी एंड बियोन्सी फोर्स। जियोलाइट इज, इट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज एज, इट वेरीज एज प्रेशर वेरीज। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, दैट इज सीवेज एंड गार्बेज। अमंग द फॉलोइंग स्टेट द लिटरेसी रेट इज हाइएस्ट इन, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है, दैट इज मिजोरम। 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेम्बर्स दैट यूज टू बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ लोकसभा इज, 1/10 मेंबर चाहिए टोटल, टोटल जितने भी मेंबरशिप को आपको मीटिंग लोकसभा की कार्रवाई के लिए चलाने के लिए। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज करेक्टराइज बाई, इट इज करेक्टराइज बाई इंक्रीज इन नम इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग इन डेथ रेट। वट डज वट विल यू कॉल ए सिस्टम ऑफ टैक्स अंडर विच पुअर सेक्शन आर टैक्स एट हायर रेट देन द रिचर सेक्शन, मतलब जो गरीब हैं निम्न वर्ग के उन पे तो आप हायर टैक्स लगा रहे हो, और जो अमीर हैं उन पे उनके कंपेरेटिव कम, इस टैक्सेशन सिस्टम को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज टू अल्टर द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इट्स लाइकिंग, अब उनको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना। 17 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड, तो इसमें डी बाबर, बैराम खां। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिजर्व, दैट इज अटाकामा, ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका के अंदर है, एंडीज जो पर्वतमाला है उसके उसमें ये सिचुएटेड है, तो वहीं पे गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा है इन सब में से। 19, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन आई ऑर्बिट, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलिसिस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग एथेनॉल, दैट इज प्रोड्यूसिंग एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ गया भाई, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमोसफेयर बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हू रोट द फेमस लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट इज रिटन ए फेमस लाइन ऑफ जॉन कैट्स। हू वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट, दैट इज मिसिस सुचिता कृपलानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज HTTP, ये बाकी भी जितने दिए हुए हैं TCP/IP ये नेटवर्क लेयर के हैं।
एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप वाली लेयर होती है TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। सो ऑल दिस इन 27/8/2016 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है मॉर्निंग का, फिर से आफ्टरनून शिफ्ट का स्टार्ट करते हैं। तो 27/8 का तो पहला क्वेश्चन इसमें था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्कीम या प्रोजेक्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। इनमें से आयुष वाला नहीं है, ये बाकी के सारे हैं, जैसे अमृत वाला, स्वच्छ भारत और जनधन योजना, सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, वो मंगलयान है। वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमोसफेयर ड्यू टू वाटर एंड ग्रेविटी, तो ग्रेविटी यहाँ पे है, तो इसलिए इन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर है ग्रेविटी। मोटर, क्योंकि रोटेशन, सिर्फ रोटेशन से नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटी उसकी की वजह से एटमोसफेयर है। फोर्थ इज मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज एसोसिएटेड विद फ्रॉन्टल लोब। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज एमलेज। एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। सातवां क्वेश्चन, ए लेवल ऑफ एटमोसफेयर विच इज कम्पोज पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयोन्स इज कॉल्ड आयनोस्फेयर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयोन्स पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, वो है एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वेयर, मंदिरा कर जिसको बोलते हैं। ए आफ्टर क्वेश्चन ओवर ए मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर डिस्कसिंग ए फाइनाइट मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इज ए अर्जेंटमेंट मोशन। बोलते हैं अर्जेंटमेंट मोशन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, कि आर्थिक विकास जो है उसको बढ़ावा दिया जाए और जो प्राइस स्टेबल रहे। और द ओनली वाइस राय टू बी एसिनेटेड इन इंडिया वाज, वो था लॉर्ड मेयो, भगवान के पास भेज दिया मेयो साहब को। विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, तो इनमें से कौन सी नहीं है, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ये इसके नहीं है। स्टेबिलिटी प्रमोट करना, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ये करना बिल्कुल सही है। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है, लेकिन लिक्विडिटी मतलब कैश का फ्लो को बढ़ाना, वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है फिस्कल पॉलिसी का। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज मैडम ब्लवेट्सी। इंडिया रिसेंटली साइन द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री, इट इज विद बांग्लादेश। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज वन हु हैज बीन सिलेक्टेड ऑन जुलाई 27 फॉर द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2016, दैट इज बेजवार्ड विल्सन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, इस पे तो मैंने वीडियो बना रखा है, फील्ड मार्शल SHF मनेक्शा वो जिसको बोलते हैं, दैट इज डी आंसर। द अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड, हु सेड दैट इज ए फेमस स्टेटमेंट बाय महात्मा गांधी। बी हु वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया दैट रियो ओलंपिक्स, इट इज वॉन बाय साक्षी मलिक। द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉज हेल्थ हजार्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड। हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी ड्राइवर्स बिकॉज इट इज लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन द नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। ट्रलिन इज अ कंडेंशन पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल एंड विच एसिड, दैट इज टेट्राफिथलिक एसिड। इन IT डैश मीन्स दैट डेटा अवेलेबल इन द डेटा बेस इज बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। इन IT डेटा इंटीग्रिटी मीन द डेटा अवेलेबल इन द डेटा बेस इज बहुत एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, कि मतलब उसको उस
क्या बोलेंगे, छोड़ो। ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड टू फॉर्म ए थिन लेयर वेयर एज ए ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन्स ऑलमोस्ट स्फेरिकल बिकॉज बिकॉज ड्यू कोहेंशन ऑफ मर्करी इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स एडहेसिव विद द ग्लास। ये इसका रीजन है। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन इंडियन ओशन इज मालदीव्स। सबसे छोटा देश मालदीव है इंडियन ओशन। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। पीएससी का चेयरमैन लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 28 अगस्त 2016। हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन, द बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन, किस पे इंटरेस्ट करता है? ऑन इट विल इंटरेस्ट अर्न इंटरेस्ट ऑन लोन्स। डिमांड ड्राफ्ट पे तो आपको वो इंटरेस्ट देता है जो कस्टमर्स होते हैं उनको, डिपॉजिट्स पे कस्टमर को वो इंटरेस्ट देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे वो इंटरेस्ट थोड़ी कमाता है, वो तो ट्रांजेक्शन चार्ज करता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चर सेक्टर विल लीड टू हायर स्केल, दैट इज द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इज फेडरल कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ अपील, यस, एंड इट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। हु वॉज द रिवोल्यूशनरी लीडर हु एंडेड हिज डेज एज ए स्वामी स्वामी ऑफ रामाकृष्ण मिशन, दैट इज जितेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। द रेड शर्ट मूवमेंट वॉज लेड बाय, इट इज लेड बाय खान अब्दुल जफर खान। सी खान, अब्दुल जफर खान। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओटीई? ओटी मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी। एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। जैसे बम आ रहा है तो एटॉमिक बम में फिजन होता है, अगर सन का एस यू होता है तो सन वाले में फ्यूजन होता है। इट्स सिंपल ट्रिक्स टू लर्न, अगर फ्यूजन होता है सन वाले में। क्वेश्चन नंबर एट, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्क्रेंटली और कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एक से ज़्यादा एक टाइम पे प्रोसेस रन कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। बटर इज कोलाइड फॉर्म व्हेन फैट गुलीब्स आर डिप्रेस्ड इन वाटर। चारकोल कैन बी मेड एट होम बाय बर्निंग वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज इट कॉज द स्किन कैंसर। अगर ओजोन लेयर सीधी किरणें आ जाएंगी, यूवी रेस आ जाएंगी, तो इट कैन कॉज स्किन कैंसर। स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। एटीएम इज एब्रिविएटेड फॉर एटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। द फिल्म फूलन देवी वॉज डायरेक्टेड बाय, इट इज डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर। सो ऑल दिज इन दिस पार्ट। एंड नाउ मूविंग टू क्वेश्चन पेपर ऑफ 28 अगस्त 2016 आफ्टरनून सेशन। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द फिनोमिनम विच इज स्टैब्लिश द ट्रेवल्स नेचर ऑफ लाइट? इट इज बाय द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब लाइट कैन ट्रेवल इन इन ऑल द डायरेक्शंस। व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज टू अक्यूमुलेट ए स्पीड डिफरेंशियल, दैट इज कैश। कैश मेमोरी जो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग के काम आती है। व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? मैग्नीजियम इट इज कंटेन इन क्लोरोफिल। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस। हु वॉन द वुमेन सिंगल विमेंडल चैंपियनशिप 2016? इट इज वॉन बाय सेरेना विलियम्स। इन विच फील्ड बी सी रॉय अवार्ड गिवन? बी सी रॉय गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। वाट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन? इट इज ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, म्यूनसिपल को, दैट इज दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज स्टैचुरी बॉडी। तो ये मल्टी प्रोजेक्ट इंडिया का सबसे पहला मल्टी प्रोजेक्ट था।
एंड सो एंड इट इज ऑल्सो स्टैचुरी बॉडी विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, दैट इज परमवीर चक्र, वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार. हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हुमेन प्रेजिडेंट ऑफ नेपाल, दैट विद्या देवी भंडारी. इन विच फील्ड इज पुलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड, दैट इज गिवन इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म. वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वाई इज ए कार्बन मोनोऑक्साइड ए पॉल्यूटेंट, इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन. वाई इज रन ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर टाइड्स एंड फ्लैट्स. कॉमर्शियल बैंक लेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, इट इज लेड टू एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. वट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून तक होता भी है. वट इज द पोजिशन ऑफ अर्थ वेन इट इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट इज इज एफिलियन एफिलियन. So all this in this video. Thank you for watching this. If you like this video, please share with your friends and do subscribe to this channel. Thank you very much.